नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक और खबर जिससे सुन के आपका उत्साह और बढ़ने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 की। तो सुनिए, इसे हम एक मस्ती भरे तरीके से सुनाते हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत होगी 5 अक्टूबर से। याद है ना कि भारतीय टीम ने आखिरी बार 2011 में MS धोनी की कैप्टेंसी में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। पर अब हमारे प्यारे फॉर्मर हेड कोच रवि शास्त्री ने बताया है कि इस बार भारतीय टीम को रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग पेयर के साथ नहीं जाना चाहिए। KL राहुल के बाद इंडिया वनडे के कैप्टन रोहित शर्मा और स्टार बैट्समैन शुभमन गिल की ओपनिंग के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रवि शास्त्री को लगता है कि विश्व कप में टीम इंडिया को इस सलामी जोड़ी के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि दोनों में कोई लेफ्ट हैंडलर नहीं है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है? क्या रवि शास्त्री जी की बात सही है? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हैं। रवि शास्त्री जी ने द वीक को दिए एक इंटरव्यू में टीम इंडिया को सलाह दी। दिग्गज शास्त्री ने कहा, नहीं, ये चुनौतीपूर्ण होगा। आपको इवेंट को गहराई से देखना होगा। फॉर्म फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको सही संतुलन बनाने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि बाएं हाथ का बैट्समैन टॉप ऑर्डर में अंतर पैदा करेगा? ये ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आदर्श रूप से मैं टॉप 6 में 2 बाएं हाथ के बैट्समैन देखना चाहूंगा। रवि शास्त्री ने आगे बताया कैसे लेफ्ट हैंडलर टीम्स के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। जब भी आपने अच्छा किया है, बाएं हाथ के बैट्समैन ने योगदान दिया है। 2011 में ही देख लो, आपके पास गौतम गंभीर, युवराज सिंह और सुरेश रैना थे। अगर हम 1974 में वापस जाएंगे, एल्विन कालीचरण, रॉय फ्रेडरिक्स, 1979 में भी सेम। पर 1983 की टीम एकमात्र ऐसी टीम थी जिसमें बाएं हाथ का बैट्समैन नहीं था, लेकिन वो पूरा टूर्नामेंट सभी बाधाओं के खिलाफ था। रवि शास्त्री ने आगे कहा, 1987 में ऑस्ट्रेलिया के पास टॉप में एलन बॉर्डर था, निचले क्रम में 2 या 3 और थे। 1996 में श्रीलंका ने जयसूर्या और अर्जुन रणतुंगा के साथ इसे फिर से साबित किया था, और फिर ऑस्ट्रेलिया गिलक्रिस्ट और हाइडन के साथ वो मिश्रण और संतुलन बनाना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की खबर? अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और क्रिकेट का आनंद लीजिए।